गुड मॉर्निंग. और आज है सैटरडे. अभी बज रहे हैं 10. मैं तैयार हो रही थी, फ्रेश हो रही थी और मेरी शोना को आवाज़ आ गई क्योंकि मम्मा उठ गई हैं, बराबर में नहीं है. तो शोना भी उठ चुकी है. अस्सलाम वालेकुम करो सबको. अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस व्लॉग में, सैटरडे यासिर का ऑफ़ नहीं होता. मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, यासिर का ओनली संडे ऑफ होता है. तो आज शोना और मैं अकेले हैं घर पे. और अभी 10 बजे हैं, सुबह का वक्त है और हम नाश्ता बनाएंगे. अब मैं शोना उठ गई है, मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ता कैसे बनाऊँगी इसको गोद में लेके. चले शोना, मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट बनवाएं. आप किचन में चलोगे मेरे साथ? ब्रेकफास्ट बनाएगा मेरा बेटा. बेटा भी ब्रेकफास्ट बनाएगा मम्मा के साथ. दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी अंडा और मैंने जो इसको पैन को ज़रा सा शेक किया और यहाँ से ये धुड़ूम और सारी चाय जो है ना वो यहाँ पे और इधर. अब मुझे ये सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, मतलब बेकार का काम बढ़ गया. जब आपका बच्चा सो जाता है ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में ही आता है कि कौन सा काम पहले किया जाए जो जो रुका हुआ है. भाई मेरे दिमाग में इतने सारे काम हैं, लेकिन मैंने सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने लटे शटे निकाल लिए ताकि मैं ज़रा खूबसूरत दिखूँ कैमरा में. क्योंकि अगर शोना जाग रही होती सबसे पहले चले जनाब, ये तो हो गई मजाक की बात. अच्छा, मुझे शोना की फीडर स्टेरलाइज करनी है, पानी की बोतलें भरनी हैं और मैंने जो है वो कपड़े जो वॉश करवाए थे वो यहाँ से ले आए थे ऊपर से, मैं तो अम्मी की तरफ थी, वो भी तय करने. ये कपड़े हैं यहाँ पर, ये कपड़े लाके जो है ना यहाँ से नहीं रख देते, ये मुझे तय करने हैं. और शोना के लिए साबुदाना बनाना है. मासी भी आएंगी, काम भी होगा, सफाई भी होगी. कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग, तो बने रहिएगा मेरे साथ. बहुत हो गई, अब काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. मैं जब जब भी इस कूलर के ढकने को ढोने के लिए उठाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये इतना इतनी क्यों दे दिया इन्होंने, इसको वॉश करने में कितना मसला होता है. ये सीधा नहीं हो सकता था तो ज़्यादा अच्छा रहता ना. ये देखें, इसको वॉश करने में ना बड़े मसले होते हैं. वॉश तो करना है और वॉश हो भी चुका है. ये हो गया मेरा कूलर साफ सुथरा. सारे काम से फ्री होके जो है वो हम हैंड्स जो है वो किचन टॉवल साफ़ करते हैं. ये मैंने जो है वो चेस से ली थी,
एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, किचन में बहुत काम आती है ये. वेन एवर आई वॉश्ड बर्तन, वेन एवर आई वॉश्ड एनी थिंग, तो आई जस्ट दिस एंड दैट, हो गया काम. तो जनाब किचन इज़ डन. इसमें जो है वो शोना की फीडर स्टरलाइज हो रही हैं. गर्म पानी अभी वेरी और वेरी हॉट और इसमें शोना का सागुदाना पक रहा है. बिल्कुल धीमी धीमी मैंने आँच की हुई ताकि वो आराम से पकता. और जनाब शोना उठ चुकी है और मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मेरा लैपटॉप ऑन हो जाए. और ये मैंने सुबह से लगाया हुआ है अपलोडिंग पे. ओनली 2% हुआ है, 3 हो गया. 3 हो गया यार, 3 हो गया भाई, 3 हो गया. शोना के बाबा आ चुके हैं और अभी 10 बज गए या फिर लेट हो रहे. अच्छा हमारा कोई प्लान नहीं था बट अचानक से जो है वो यासिर ने कहा कि आज चलते हैं डिनर पे. सो चलो क्या किया है चोरी, क्या किया है तो ये वो पगड़ी नहीं बांधते किसान चोना लग जाएगी खींच के. सो फिर हम निकल रहे हैं डिनर के लिए और लाइट्स वगैरह यहाँ की कर दी जाए ऑफ और ड्रेस तो मैंने दिखाया ही नहीं. ये ड्रेस मुझे इसका कलर इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा. इट्स ग्रीन कलर, जैसे हरा ये पत्तों का है ना ऐसे कलर है. और ये ड्रेस मुझे किया था अम्मी ने गिफ्ट ईद पर और आई एम रेडी. ये मोर ग्रीन आ रहा है बट इट्स ग्रीन. लेट्स गो फॉर डिनर और बाकी का व्लॉग वहाँ चल के कंटिन्यू करते. कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो डिसाइड करते हो वैसा नहीं होता और हमारे साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ. मैंने बताया था हम लोग गए थे डिनर पे. हाँ एक जगह जहाँ जाना था वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ का हमें इन्वायरमेंट कुछ सही नहीं लगा. हम वहाँ से वापस आ गए, हब्स घुटन और रश रश था, हम वहाँ से वापस आ गए. फिर हम एक और जगह पर गए और वहाँ पर बैठे हैं, खाना बस ऑर्डर ही किया है तो शोना ने जो है वो वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग शुरू कर दी. पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो जो कढ़ाई और बारबेक्यू का जो स्मोक होता है ना वो उसके नाक में आईज़ में उसको इफ़ेक्ट किया और मेरी शोना ने जो है अच्छी वली खेलती मुस्कुराती जो है वो गई है वहाँ जाके उसने वॉमिटिंग शुरू कर दी, रोना धोना शुरू कर दिया. एक निवाला जिसे कहते हैं ना वो हम नहीं ले सके और बस वहाँ से उल्टे पाँव भागें खाना पैक करवा के. फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा. नज़र हसद बरहक है, अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन से और नज़र बद से महफूज रखे इंशाल्लाह आमीन. अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा. फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.